हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। मैं आज आपसे अपना संडे का डिनर रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मटर की सब्जी और मैं यूज़ करूँगी सुहाना पनीर टिक्का मसाला। मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। टमाटर पीस के रख दिया है, प्याज काट के रख दी है। सब्जी की तैयारी करने के बाद मैं आटा गूंथ लेती हूँ तब तक, ताकि आटा गूंथ के रख दूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और आटे गूंथने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। आटे का डब, चूँकि रोटी बनानी है तो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। ये देखिए, आटा करीब करीब मैंने मिक्स कर दिया है पूरा, और फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ आटे के साथ। और अगर आपको पूड़ी बनानी है तो थोड़ा सा हार्ड आटा गूंथना पड़ता है, और ये मैंने रख दिया। हमारे यहाँ जब भी मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं सुहाना पनीर टिक्का मसाला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि घर में सबको यही पसंद है, इसी मसाले की सब्ज़ी पसंद है। और इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क मिक्स किया है, दूध मिक्स किया है, और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। चूँकि मटर का सीज़न नहीं है तो मैं ये मार्केट वाली मटर यूज़ कर रही हूँ, गार्डन पीस है। और जितनी मटर डाली है उतनी मैं निकाल लेती हूँ, फिर मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ इसको, और फिर इस मटर को धो के ही डालती हूँ। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे, और तेल आई थिंक ज़्यादा गिर गया। दूसरा पैन भी मैंने चढ़ा रखा है, और उस पर मैं 2 टेबल स्पून रिफाइंड डाल रही हूँ। और इसके बाद थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया है तो इसको मैं थोड़ा वापस निकाल लूँगी। उसके लिए मैं एक स्टील का छोटा कंटेनर रखती हूँ, अगर तेल एक्स्ट्रा हो जाए तो मैं उसमें वापस कर लेती हूँ। मैंने एक साथ 2 पैन चढ़ा रखा है। दूसरा पैन मैं बता दूँ, वो मैंने चावल फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। और जब तक ये तेल गर्म होता है, ये तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। ये 3 मीडियम साइज़ प्याज है, ओनियन है जिसको मैंने काटा हुआ है, और इसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ इसमें। और चावल फ्राई के लिए भी मैंने 1 ओनियन काटा है, और ग्रीन चिली है उसको मैं डाल के, थोड़ी सी पीस डाल के, मटर डाल के उसको मैं थोड़ा सा चलाऊँगी। ये मैंने लंच में चावल, छोले और पूड़ी बनाई थी, तो सबने पूड़ी और छोले ही खाए, चावल इसलिए बच गया है। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो वही चावल फ्राई कर रही हूँ। तो वो मैंने डाल दिया चावल फ्राई, थोड़ा सा जीरा डाला था, प्याज डाला था और ग्रीन चिली डाली थी। और उसके बाद अच्छी तरह से चावल को मिक्स करेंगे, जब तक कि प्याज इधर पक रही है। प्याज को हल्का सा ब्राउन होना है, उसके बाद इसमें मैं पीस डाल दूँगी, मटर डाल दूँगी। और फिर ये प्याज में जो सब्ज़ी बना रही हूँ मैं मटर पनीर की, उसमें मैं मटर डालूँगी, और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए इसमें हल्का सा नमक डालूँगी, जिससे कि थोड़ी सी प्याज और मटर थोड़ा सा पक जाए, और उसको मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। और जो मैं चावल फ्राई कर रही थी उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी। बाकी आप उसके ऊपर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। जब थोड़ी सी मटर और प्याज पक जाए तो उसमें ये पिसा हुआ टमाटर डालेंगे। ये 3 मीडियम साइज़ टमाटर मैंने पीसे हैं इसके लिए, और फिर उसको अच्छी तरह से भुनेंगे, जिससे कि प्याज, मटर और टमाटर अच्छी तरह से भुन जाए। ये देखिए, और इसको थोड़ा देर के लिए रख देंगे। ये देखिए, ये टमाटर थोड़े से भुन गए हैं और अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं पनीर टिक्का मसाला डालूँगी सुहाना का, जो मैंने दूध में मिक्स करके रखा था,
और थोड़ा मसाला बच गया है उसको मैं पानी से धो के डाल दूँगी और ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। और ये मैंने डाल दिया और फिर इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए इसको इसी तरह चलाते रहेंगे और पकाएंगे। जब तक सब्ज़ी थोड़ी सी भून रही है तब तक मैं यहाँ से सामान समेट लेती हूँ जल्दी से, जितना भी फैला हुआ है। और उस ये देखिए जो भी फ्रिज में रखना है उसको फ्रिज में रख दिया। और उसके बाद मैं हाथ धो के फिर से स्टार्ट हो जाती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी जो हमने मसाला डाला था वो अच्छी तरह से भून गया है और ये सब्ज़ी काफ़ी भून गई है। और वो जो मैंने चावल फ्राई किए थे वो बन गया है, उसको मैंने अलग रख दिया और सब्ज़ी को मैंने शिफ्ट कर दिया है क्योंकि इधर वाली स्टोव पे मैं रोटी बनाऊंगी और इधर मैं तवा रख दूंगी। और ये सब्ज़ी अच्छी, मैंने जो मसाला डाला है इसको अच्छी तरह से भून के इसमें मैं पानी डाल दूंगी और फिर इसको बॉयल करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है और इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, इस मसाले में नमक पहले से ही रहता है बट थोड़ा लाइट रहता है तो उसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। और ये देखिए सब्जी बॉयल करने लगी है। अब इसमें हम पनीर के टुकड़े डालेंगे, पीसेस कटे हुए। ये जो पनीर है नियर अबाउट 250 से 300 ग्राम पनीर है और ये मैंने पनीर डाल दी और फिर इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर तक के लिए पकने के लिए, 2-3-4 मिनट के लिए। और उसके बाद हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और जो मैंने आटा रखा था उसको अब मैं थोड़ा सा फिर से पानी लगा के अच्छी तरह से गूंथूंगी और थोड़ा सा सॉफ्ट डव क्रिएट करना है क्योंकि हम रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाने के लिए सॉफ्ट आटे की ज़रूरत होती है। और मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने मॉर्निंग रूटीन बनाया था तो उसमें बहुत लोगों ने स्टफ पराठे की, दाल के स्टफ पराठे की रेसिपी पूछी थी, इसलिए मैंने अपने डिनर रूटीन में मैं थोड़ी सी रेसिपी भी बता रही हूँ कि कैसे बनेगी। और ये फिर मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है। गोल और फुली हुई रोटी बनाने के लिए हमारा आटा बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट गुठा होना चाहिए तो रोटियां अच्छी बनती हैं। अभी मैं आपको रोटी बनाने की टिप बताऊंगी। सबसे पहले रोटी की गोली बनानी है एकदम मीडियम साइज़ की और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पैथन लगाएंगे और उसको हल्के हाथ से एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज आपको जैसा भी कन्वीनियंट लगता है उसको बेलन को धीरे धीरे घुमाएंगे तो रोटियां अपने आप ही गोल बनती जाती हैं। और ये देखिए ये रोटी बन गई है। और जब तक एक रोटी बनेगी हम दूसरी सेकने रख देते हैं। वैसे तो रोटी बनानी सबको आती है तो आपको लग रहा होगा कि क्या बता रही हूँ, बट ये मैं थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ। हमेशा जब भी आप रोटी तावे पे डालेंगे तो एक बार थोड़ी सी पक जाए तो उसको नेक्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करते हैं और हमेशा जो पहली वाली डायरेक्शन है उसको ही गैस पे रखते हैं तो इससे रोटियां बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाती हैं। ये देखिए मैंने एक बार ही पलटा है। और रोटी को जब आप तवे पे डालते हैं तो उसको एक ही बार पलटना है और वापस जब आप सेकते हैं तो उसको वापस जो पहली वाली डायरेक्शन में, जो हमने पहली बार जिस डायरेक्शन में डाला था उसी डायरेक्शन में हमें सेकना है। ये देखिए तो आपकी सारी रोटियां फुलका रोटी की तरह बनेंगी। और ये हमारा डिनर तैयार है। सलाद में हमने खाली प्याज ही और नींबू ही काटा हुआ है। ये था मेरा संडे डिनर रूटीन, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। डिनर के बाद मैं सारे किचन की सफाई करती हूँ। आप
अपना नाइट किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।